بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتله وما صلبه ولكن, ولكن شب ولكن له شب لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من العلم إلا اتباع ظنه من العلم الاتباع وما قتله يقينا صدق الله और उनकी ये कहने पर कि हमने मरियम के बेटे मसीह ईसा को कत्ल कर किया जो अल्लाह का रसूल था हालांकि ना उन्होंने उसे कत्ल किया और न चूली पर चढ़ाया लेकिन उनको इज्तब हो गया और जिन लोगों से ने इनके मतलब अख्तलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुबला है और उनके पास भी उस मामले में कोई यकीन नहीं महज गुमान में कि पैरवी में पैरवी हैं और उन्होंने यकीन मसीह को कत्ल नहीं किया चौथा सूरह है आयत नंबर एक सौ सन्तानवे आज एक नया उनवान से आपकी ख़दमत हाज़िर है कि शहादत अलमसी शहादत फरकुरान हमें उम्मीद है कि आप गश्त की तरह आज भी कलम कागज़ लेकर बैठे होंगे और ताकि कुछ नोट आप तहरीर कर सकें क्या वाकई शहादत या कत्ल मसलूब होने की बातें एतराज़ हैं में हैं सवालत के जवाब हम कुरान शरीफ की रोशनी में देंगे अजम पहला सवाल जो आया है हालांकि बिल्कुल आम सा सवाल है लेकिन करने वाले ने किया है कि ये जो आप बसम बसम यावरमान रहीम कहते हैं ये क्यों कहते हैं अच्छा सवाल है असल इसमें चार हरूफ हैं याहवा में इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि पहले कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी, जी किस जबान के लफ्ज़ है असल में इबरानी जबान का लफ्ज़ है लेकिन हम जब बर शगर में गौर करते हैं तो हिंदी जबान में याहवा कहते हैं यहवा इंग्लिश में जहवा कहते हैं यानी जावा लेकिन कुछ कहते नहीं जी जावा नहीं है बल्कि यह यहव है अच्छा कुछ कहते नहीं याहव नहीं है गलत है बल्कि इसका तलफुज याहवा है और यहवा जो कुछ कहते नहीं जी यावा नहीं याहवा है यानी जितने लोग अपने अपने ज़बान में उस चीज़ को समझ सके वैसे अदा कर रहे हैं और यहवा करके या वाह या वाह बाते हैं कुछ कहेंगे कि नहीं ये याहू है होना चाहिए खुदा ताली के नाम के प्रोन्सेशन तलफ़ शायद किसी को पता भी ना हो हालांकि जिस जिस को जिस जिस जैसे समझ में आता है वो यही कहता है कि यह है तो वही कहना शुरू कर देते हैं हाँ अलबत यहूदियों के यहाँ खुदा तला के नाम यानी इस नाम को याद करते हैं और ये अल्फ़ाबेट से मुतल है तहजी या वाह यानि हा या, या, या हा वाह हा ये चार रूफ हैं हम इस्क्रीन पर दिखाएंगे आपको यह आप देख रहे होंगे अभी इसके तहत याद करते हैं उसमें गौर फिक्र करते हैं और इसमें चार जो हैं अल्फ़ाबेट के या, या कि माने इब्राहिम जबान में यौद जिसको अरबी में जब ये ट्रांसलेट किया गया तो यद आयाद याद कहते हैं हाथ को दूसरा हर्फ है जी इसके बाद हे तीसरा हर्फ है वाव फिर चौथा ग्रुफ है हे तो यौद वाव यौद हे वाव हे जब कहेंगे तो ये चार ग्रुफ मिल करके के यहूदा बनते हैं अब बोलने वाले अपने होठों पर उस जमाने में हाथ रख लेते थे यहूदी के क्योंकि इल्म इरफान की आगाही से थे और जिनके समझ में नहीं आएगा वो नहीं रख सकते थे माने क्या है मानी ये कि याद के मने हाथ और हे के मने वी होल्ड यानी देखो तीसरा लफ्ज है वाओ वाव किसी चीज को हम जब देखते तो वाओ क्या बात है किसान बयान करते हैं रंगी होती है तो और वाव के असल माने है कील यानी नील और फिर चौथा गर्फ है हे इसके मैंने देखो बी होल्ड इसके असल क्या माने हुए पुराना अहदनामा जब देखते हैं तो उसी सामने लिया है लफ्ज़ याहू की तारीफ यह है याहवा की कि हाथ को देखो खीर को देखो अब ये लफ्ज किसी को समझ में नहीं आता जब तक इसका कोई प्रैक्टिकल ना हो जाए जब तक यानी असल ही में खुदावंद खुदावान ने अपने इस नाम के चार रूप में वोशीदा वो रखा उस रास को उस भेद को छुपा कर रखा था और जो जो यानी इस भेद को जान सका वो याहुआ का नाम लेते वक्त अपने होटों पर हाथ रखते थे पहले सवाल इंसान का ख़ानदान कैसे बना अज़म ये आप जानते हैं कि हज़रत आदम आम को आलम ने इसी ज़मीन की मिट्टी से बनाया और अपने दम के जरिए अपने रूह उसमें फूकी तो वो जीसी जान हुए और फिर आजम सलाम की पसली से एक हड्डी निकाल कर हवा को बनाया यानी आदम मिट्टी से बने लेकिन होवा मिट्टी से नहीं बनी बल्कि हड्डी से बनाई गई खुदा चाहता तो चार भी बना सकता चार बीवी बना सकता दस दस भी बना सकता लेकिन एक आदम के लिए एक ही बीवी एक मर्द के लिए एक ही बीवी रखा उसने और फिर हम देखते ही सूरह हुजरात आयत नंबर उनचासवें सूरह आयत नंबर तेरह या यो ना इन ना ख़लक ना को मिन जख रा ऐ उन ए हमने तुम्हें खल किया एक मर्द और एक औरत से मर्द यानी आदम इस्लाम औरत यानि ह्लाम तो जब जिस जन्नत बागैदन में रहते थे वहाँ आलम से उनसे कलाम होता था गुफ्तू करते थे कितने खुश नसीब से लेकिन इब्लिस जब उनको बहका देता और वो फल खाने की वजह से जन्नत से निकाले जाते हैं तो उस वक्त आलम ने उन्हें ज़मीन पर जब कहा कि वापस जाओ तो उनसे जो पहला बेटा पैदा हुआ था उसका नाम था कायीन या काबिल कहते हैं बड़ा बेटा ये खेती करता था छोटा बेटा पैदा, पैदा हुआ उसका नाम हाबिल या हाबिल कहते हैं उस वो चरवाह था यानी मवेशी पालता था तो आजमाया के हाँ मेरे हजूर कुर्बानी पेश करो जो कायन तो उसने फरसुदा अनाज ला कर रख दिया और जो छोटा बेटा था यानी हज़रत आदम इस्लाम का काबिल या हाबिल और काबिल चूँकि कुरान में हाबिल और काबिल है लेकिन असल इब्रानी नाम में कायन बड़ा वाला जिसको काबिल कहते हैं और हाबिल छोटा वाला यानी हाबिल कहते हैं उसको हाबिल ने अपने पहलोटी का जो बछ बच्चा, बच्चा था बिछड़ा था वो पेश किया क्योंकि खुदा ने कुर्बानी मांगी थी और कुर्बानी के लिए खून का होना ज़रूरी तो हाबिल को कुर्बानी पेश हुई और काबिल के नहीं हुई उसका मुंह बिगड़ा वो कह तो वो हसरत करने लगा कि मेरे छोटे भाई कुर्बानी पेश हुई मेरा क्यों नहीं हुआ ये तमाम वाक़ अजर करामी क़दर हम इसम्बिया में पेश कर चुके लेकिन चूँकि यहाँ ये मकसद है कि सवाल के कैसे बना आयीन यानी काबिल ने अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल कर देता है खेत में अकेला पाकर तो जब परवत जगह पूछते कि ये तेरा भाई कहा तो वो कहता कि मैं क्या मुआफजूँ अपने भाई का उन्हें कहते तेरे भाई का खून मुझे पुकार जमीन से पुकार रहा है गोया के नाहक साजिक का खून जब भी होगा खुदा को पता चल जाता है ऐसा निगराम कदर ज़मीन पर कुछ भी वाक़ हो आसमान पर उसका असर होता है जो नाहक किसी का खून बहाया जाता है शेक्सपियर ने अपने जम... एक किताब में लिखते हैं कि ज़मीन पर कोई अगर ऐसा काम हो जो खुदा को नापसंदा तो खुदा को पता चल जाता है जाहिर से वो आलमुल है ऐसे में हम देखते हैं कि परवर ने उसे कहा कि तेरा भाई का खुन मुझे पुकार रहा है और तुझे तो वो डर गया लेकिन उसने तौबा नहीं की और वो अपनी बीवी को लेकर के वहाँ से काफ़ी दूर निकल जाता है यानी उस बान के दूसरे जानेब नूत के इलाके में जो बाद में उसका नाम नूत रखा गया उसकी नस्ल बढ़ी लेकिन उसकी नस्ल में किसी ने भी तौबा नहीं की परवरदिगार में तीसरा बेटा था कि उसका नाम था सीस या सैप नाम था लेकिन जब आर्मी तर्जुमा देखेंगे उसमें शीस लिखा कुरान शरीफ में ये नाम नहीं ना सैत है ना शीस है ना सैत है ये नाम है नहीं और फिर खुदा ने उनको भी बहुत सारे बेटियाँ ताकि आदम इस्लाम को उसमें सैज के जरिए ये उनकी नस्ल चली आदम इस्लाम के तीस तो नौ सौ तीस तो बरसात जमुन का इंतकाल हुआ सैज से अनूश पैदा हुए अनूज से कैनान पैदा हुए कैनान से महल पैदा हुए मल से यारत पैदा हुए यारत से अनूप पैदा हुए अनूप से नू पै मतोशिला पैदा हुए मतोसला से नम नमक पैदा और नमक से नू असलाम पैदा हुआ नू अ इस्लाम जब पाँच सौ बरस के थे तो उनके तीन औलादें हुई सिम हाम या सिम से नसल चली यानी छः सौ बरस के जब आदम हुए तो तूफ़ान छः सौ छः सौ बरस यानी तूफ़ान नू के एक साल के बाद नौ साल के बाद यानी एक साल तक तो तूफ़ान दो साल के बाद तो अरफत पैदा हुए जब सिम सौ बरस के थे अरफकशत से सिलाह पैदा हुए सिला से इबर पैदा हुआ इबर से फलस पैदा हुए फलस से रोह पैदा हुए रोह से सरूज पैदा हुए सरूज से नाहज पैदा हुए और नहू से तारा तारा जब सत्तर बरस के थे तो उनसे तीन औलादे हुए नहूर अब्राहम और हारान हारान के दो बेटी थी एक बेटा जिसका नाम लूत था और बेटी सारा और छोटी उसका नाम था आ, मलिका सारा से हज़ार इब्राहिम साहब की शादी होती है इब्राहिम इस्सम छियासी बरस के थे तो उस वक्त तक कोई औलाद नहीं हुई तो सारा कोई कनीज़ थी जिसका नाम था हाज़रा उसके जरिए हाजरा ने जब साथ इब्राहिम से शादी करे तो उससे इस्माइल पैदा हुए उस वक्त हज़रत इस्माईल रसने छियासी बरस थी फिर जब छियासी बरस सारा की उम्र हुई तो परवर ने उन्हें वादे का फ़र्जंदता किया और उसका नाम इजहाक रखा इजहाक के दो बेटे हुए साठ साल की उम्र में जुड़वा हुए थे एक यसो दूसरा याकूब याकूब को बन इसराइल कहते हैं ये सारी नस्ल फिर याकूब के बारह बेटे हुए उनसे ये पूरी कायनात में ये नस्ल चली जो बन इसराइल कहलाए तो जो लोग ईमान लाते रहे और उन्हीं के नस्ल में दाऊद मूसा वगैरह आए तो मूसा की नस्ल में जनाब मरियम मुकदस सलाम उल्ल आई और मरियम सलाम उल्लह के जो खुदा ने बेटा अता किया था तो रुहुल कुलुस के जरिए ने में मरीम थे बेरोस उसके जरिए बेटा अता किया उसका नाम ईसा या यसू रखा दो किस्म के लोग आए दुनिया में एक अम्बिया मसलिन जो हिदायत देने वाले थे हादी थे दूसरे वो लोग जो हिदायत रिसीव करते थे यानी जो जिन्होंने हिदायत हासिल की तीसरा तबका वो था जिन्होंने हिदायत हासिल नहीं वो वह कुफरे में जिंदगी गुजार अब हम देखते हैं कि इन्हें जो जो लोग तोबा करते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं वही परवरदिगार आलम के निगाह में और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं वो निजात पा जाते हैं अब हम देखते हैं कि जितने भी लोग आए उनका नस्ब नामा है जो हमने पेश किया शजरा कहते हैं उसको यह खानदान इस तरह बढ़ता चला क़्यामत तक बढ़ता रहेगा लेकिन दूसरा सवाल है कि, रब कि कौन सा ख़ानदान यानी इंसान पसंद है हज़रत दूसरा सवाल है हज़रत आदम और हर नबी का ख़ानदान है तो ईसा का भी कोई ख़ानदान है आइए देखते हैं शुरु उजरा तायद नंबर तेरह में इन बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो शख्स है जिसमें तकवा हो परहेजगारी हो गुना से बचने की अस्तात को रखता हो यानी फोकियत फजीलत क्या है तकवा ख़ानदान के लिए तकवा होना जरूरी है उस शख्स में तकवा होना जरूरी है मैतूल सब आदम के औलाद हैं अम्बियर के औलाद आ रहे हैं लेकिन जो शख्स भी तकवा अख्तियार करेगा उस उसका अलग हो खानदान बन जाएगा अब देखते हैं। फिर दूसरी चीज़ है तारफ़ है ख़ानदान के लिए फजीलत क्या है सख्त होना सच्चा होना ये तो सारे अम्बियत जो हैं वो सच्चे कहलाते हैं लेकिन हम जब देखते हैं सूर्य मायादा आतना पचतर हम देखते हैं कि मन मसीह अब्न मरियमा रसूल कदख़लत बेहीबल रसूल उमो सिद्दीक़ा व उमो सिद्दीक़ा क्या मरीम के बेटा मसी रसूल नहीं रसूल बेटे बिल्कुल ये सवाली इनकार भी इसका मतलब ये है कि उसका बेटा मरीम का जो बेटा था मसी रसूल नहीं था क्या रसूल थे वो और रसूलगर भी थे नबी भी थे तो सवाली इनकार इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रसूल जब बिन बाप के पैदा हुआ हो और गहवारे में कला में सफ़त किया हो इससे पहले भी जो नफ़ रसूल गुजरे हैं पैगंबर गुजरे हैं वो पैगंबर तो गुजर चुके हैं लेकिन मसीह की शान व फजीलत निराली है क्योंकि कुरान कह रहा है वो कदुश के वसीले से पैदा हुए उनकी मादर गिरामी के सिद्दीक़ा इन्हें सच्चा जाना जाता है तो कुरान के अतबार से सच्चा होना खानदान का माँ बाप का सच्चा होना ज़रूरी है तीसरी चीज़ इल्म फिलत इन्हें तारब ख़ानदान के लिए मैारल् फजीलत होना चाहिए हल हल्ला यह सुर जुमर आयत नंबर नौ हलम व लजीन लमन यानी कुल हल यवी लजीन याम क्या कह दो कि क्या इल्म वाले बराबर हैं वलन अल आलम जो लोग नहीं रखते जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकता आलि जाहिल जाहिल जाहल के साथ जाग कर इबादत करना आलिम का कर इल्म के साथ सोना उसका सोना इबादत हो जाएगा ये फ़र्क है जाहिल आलिम में तो खुदा के नगाम में ख़ानदान की फजीलत की होना ज़रूरी है मख़लूक खुदा को और वह नाफ़े को कि मखलूक ख़ुदा को फैस पहुँचे इल्म नाफ़े ना हो जो मखलूक ख़ुदा को, को ज़रूरत पहुँचाए तो है लेकिन गैरनाफे वो वर्रत पहुँचाने वाले खुदा को पसंद नहीं अब आप गौर करो ज़मीन पर हज़रत मसीह जैसा इल्म किसके पास रहा होगा बचपन में कलामतुल्ला इन्हें खुद कलाम किया उन्होंने गहबारे में कहते हैं वो कौन से इम था ला इलाज मरीज़ को पलक झपकते में बेघर दवाई इंजेक्शन टैबलेट कैप्सूल के एक्सरे किए हुए उसको सही कर दिया यही नहीं कहा कि चलो ये चीज़ इतने अरसे खाना वो भी नहीं जिसको छू लिया वो मसाज जिसने उसके कपड़े के दामन को छू लिया वो भी शफा पा गया ऐसा ने ग्रामीण नाबीनाओं का पलक चपकने में बीना कर देना लोगों को गैब की बातें बताते सबसे अहम के मुर्दों को जिंदा करने की फजीलत यह किसी नबी में नहीं थी आइए अब तारफ ख़ानदान के लिए फजीलत ईमान अफमन काना यह सूरज सद्दा नंबर अट्ठारह है अफमन काना मुन कमां काना यस्तवी तारफ़ ख़ानदान ईमान कैसा होना चाहिए क्या ईमानदार अफमन का न मोम नो क्या ईमानदार कमा का ना फास लाइसवी या जो बेईमान है वो बराबर है फाजिर और ईमानदार बराबर है बराबर नहीं हो सकते यानी फजीलत ईमानदार की अमानत सौंपी जाती जो ईमानदार उसको अमानत सौंपी जाएगी और कायनात में खुदा कश की सबसे बड़ी अमानत जो दिन खुदा ने सौंपी थी वो जनाब मरियम को वो अमानत क्या थी वो अमानत जनाब मसीह थे किसको खुदा ने चुना था मरियम को क्योंकि बाईमान थी हज़रत मसीह को अता किया था वही इस अब चुनाव कौन करता है खानदान में किसी का चुनाव नबी को चुनाव कौन करेगा कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी मदरसा कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जामियात यह कह के कि किसी को फारक तहसील का सनत नहीं देता कि हाँ मैंने से वली बनाया है जो बनता अपने करैक्टर से बनता है किरदार से बनता है नबी को किसी ने नहीं कहा कि वोटिंग करके नबी बना दो नहीं नबी बना तो अपने किरदार से खुद कलाम इलाही उसके पास आता है व़ खालमलैकुल्ह मरियम असफ़ा व ताह रखा वफ़ैकअलमिन चुनाव हुआ मुंतबिब और फ़रिश्ते ने कहा अय मरीम बेशक अल्लाह ने तुझे पसंद किया तुझे पाक किया इन्हें पाक व पाकिज़ा रखा किया नहीं अगर किए तो पहले नापाक नहीं पाक रखा था उसको पाकलब में लाया पाक ख़ खानदान में रखा और तुझे सब जहान की औरत पर फजीलत दी ताहिर किया ताकि अपनी अमानत कलमतुल्ला रूहल्ला को रोहल कदोश के मार्फत अता फरमाया गोया कि खुदा ताला की नज़र में ख़ानदान कौम कबीला के अलावा खुद कर, खुद शख्ती खसूसियत का भी होना लाजमी है बात में ख़ानदान में हैं आलिम के बेटे हैं लेकिन इल्म नहीं उनके पास फासद बन गए वो ख़ानदान कोई काम नहीं देगा उसका अच्छा ख़ानदान है लेकिन वह इल्मनाफ़े नहीं है आप मग जैसे हमने कहा कि अम्बिया का चुनाव जो है खुदा तला ही करते हैं लेकिन किसी इलेक्शन के जरिए वोट के जरिए कोई नबी रसूल या वली नहीं बन सका अगर कोई बना है तो नकली होगा जाली होगा वो खुदा के दफ़े लानत वाला होगा कोई जाली नबी नहीं बन सकता अगर दावा कर लेगा मैं नबी हूँ वली हूँ तो खुद साथ, साथ दुनिया में जलीलुख़ार हो जाएगा और आखिरत भी तबाह हो जाएगी आइए तारब खानदान के लिए मेार फीला तहारत का होना ज़रूरी है तो देखते कुरान तहारत किसको अता करता है ये माईदा आयत नंबर सौ में है कि कुल्ला किस तबी खबीस तयब क्या नापाक और पाक बराबर हो सकते हैं खबीस यानी नापाक बराबर नहीं हो सकते अगर अगरच तुम्हें नापाक की कसरत मुतासर करती है बस ए एक्लमंदो अल्लाह से डरो ताकि तुम फला पाओ तुम्हारे निजात हो खबरदार पाक और नापाक को खलत मनत न कर देना कभी खानदान पाक खानदान नापाक खानदान में नहीं जाए और नापाक खानदान को पाक खानदान में नहीं लाया जाए अगर कोई हो जाता है अब देखते हैं बाद में लड़ाइयां हो जाती हैं क्यों इसलिए कि नापाक नापाक है पाक पाक है हम देखते हैं कि जनाब मरियम के बारे में कहा जाए या मरियम इन तहरक व तहराफ़ा की यानी जब फरिस्त ने कहा मरियम बेशक खुदा ने तुझे मुंतखब किया किस चीज़ में कैसे पाकिजगी की वजह से तहारत की वजह से तो मरियम सलाम खुदा की नजर में आलमीन की औरतों में पाक पाकिज़ा रही इन तारिब खानदान की फजीलत हालत आइए सातमा है तार्ब ख़ ख़ानदान के लिए म्यार फलत विरासत वमालकमिल तनसकूफ यी सभी वल्ला मरासमत वर्स और तुम्हें क्या हो गया कि जो अल्लाह करा में खर्च नहीं करते हालांकि आसमान और ज़मीन का वरसा तो अल्ला के लिए है ग्राम कदर विरासत फजीलत म्यार ख़ानदान है अब जिसके पास विरासत होगा उसी के पास अख्तियार होगा वो जिसको चाहे दे दे तो अब आसमान और ज़मीन के अख्तियार किसके पास है किसने कहा था ज़मीन और आसमान के अख्तियार मुझे दिया गया तो असल वारिस कौन ये हम अम्बियाल असमानल हस्ता में वारिस का जिक्र कर चुके हैं आप इस पर उस प्रोग्राम को इसके से देख लीजिएगा वहां पर तुमने तुम में से और कोई इसके बराबर नहीं हो सकता किसने कहा था आसमान और ज़मीन का अख्तियार मुझे यानी वारिस ही अखबा अख्तियार होगा अब अगर वारिस को कत्ल कर दिया जाएगा तो फिर वो विरासत छीन तो सकता है लेकिन वारिस के बगैर नहीं रह सकता वारिस जिसको चाहे दे दे ऐसा नगरामी हजरत मसीह दूसरा सवाल है कि हजरत आदम और हजरत मसीह का खानदान तो क्या ईसा कभी ख़ानदान है बिल्कुल हमने न नामा आपके में, पहले सवाल में पेश किया आदम सलाम से लेकर क्यामत जितने भी लोग आएंगे उनका खानदान बाप की नस्ल से कहलाएगा लेकिन वारिद मसीह हैं सलाम उनका खानदान माँ से है कुरान का वाइद देगा नात बेरो अब सूर्य बकरा के आत नंबर दो सौ तिरासी में जहाँ से तीसरा पारा शुरू होता है बिल्कुल शुरू में कि ईसा की फज फ़, फजीलत दी है कि हर नबी को फजल फ़, फजल ना आलाबाद हुकूमत हमने बाद हम बास को फजीलत दी बात से कलाम किया वो हज़त मूसी इस्लाम है और बास जो कर्दाने रूहल कुद के भी नहीं एक ही है जिसको रोहल कद से पैदा और कोई नहीं तो माँ की फजील माँ की तरफ से फजीलत मिली ऐसा ग्रामी लोग फ़ख्र करते हैं हमारा ख़ानदान है ठीक है दर्जयाली हो या ननियाली हो जब तक सांस है रिश्ता है सांस टूटा रिश्ता टूट गया और क्या आपने यानी बीवी का सांस है तो बीवी कहलाई कि सांस खत्म तो शोर कह मेरी बीवी की मैयत है अगर शोर का सांस निकल गया दम टूट गया रूह काफन से प्रवास के तो बीवी कहेगी कि मेरे शोर की मैयत है इसी तरह वालदेन बच्चों के लिए बच्चे वालदेन के जहाँ तक आप सिलसिला चले जाएँ सब यही कहते हैं कि रिश्ता जो है वो रूह काफन से रिश्ता टूट जाता है अब जुमले को बदल कर हम भी कि शौहर यही कहे कि मेरी बीवी की मीयत है बीवी यही कहे कि खानदान इन खाविन की मीयत है बच्चे ये कहे वालदे की मीय है वालदेन कहे कि बच्चे की मीयत है क्या रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती है शनाख्त ख़त्म हो जाती है आइए देखते हैं नसब इन खानदान के तारुफ के लिए कल क़यामत में कैसे लोग पहचाने कोई किसी को नहीं पहचानेगा फैजो नफ़्फूखा जाएगा क्या होगा फला अनसाब फल अंसाबी नहूम या तलून यानी उस दिन उनमें से रिश्तेदारियाँ नहीं रहेंगी इस दुनिया में जिसमानी रिश्तेदारी तो है लेकिन जो रुख कसौने कर परवाज़ करने मर जाने के बाद इंसान की रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती है अब वो घर में नहीं रहता बल्कि जितना जल लोगे निकालो मिट्टी में दबाओ ताकि बदबू न दे जाए क्या बात है गौर किया कभी गौर कीजिएगा उत्मनान से इस बात को कि जब तक जिंदा है तो रिश्ता है मर गया तो रिश्ता ख़त्म तो कल हश्र में भी यही होगा फला से वो दिन नसब ही खत्म हो जाएंगे गोया कोई किसी का नहीं होगा तो फिर कौन किसको पहचानेगा कैसे कहेगा कि हाँ ये फला हमें निजात देगा कोई तो होगा निजात देने वाला अजीज़म फ़कत ये ईमान वाला ही उन दावों को कर सकते जो आखिर तक मानी में कि ई कान ईमान पर अमले सवाले पर हक़ को पहचान कर हथ गोई और खुद को भी हक़ पर कायम रखे वो कोहे अलम गिरे मुसीबत आए कैसा ही हो लेकिन सब्र पर कायम रहे वफादार रहे उसे ज़िंदगी का ताज दिया जाएगा और जो साबित कदम नहीं रहेगा वो रुक जाएगा फिर दिया जाएगा मुंह फेर लेगा उससे आइए तीसरा सवाल क्या ख़ानदान और मजहब तब्दील किया जा सकता है अज़ीब सवाल है बहरअल मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल के जवाब दे के ये आखिरी सवाल होगा हमारा जी हमने आपकी खिदमत में सूरह हजरात की आयत पेश कर दी या ना सो इन्हना ख़लक नकमस वा वाहकुम शन वबायल इतनी या तारफ़ु यानी तुम्हारी तारीफ़ के लिए हमने रखा है ख़ानदान में कबीले में सब कुछ यानी गौर फन व जाह शूबा तुम्हारे ख़ानदान बनाए गौर गौरतलब बात यह कि एक शख्स के लिए ख़ानदान बनाया और ख़ानदान माँ बाप से बनता है खुदा ने जिसको जिस खानदान ने पैदा किया बहुत अच्छा है अच्छा रंग आपका रंगत चाहे जो भी हो काला हो गोरा हो छोटा हो बड़ा हो लम्बे हो कोई भी हो कमज़ोर हो ताकतवर हो कुछ भी हैं आपका ख़ानदान आपके वालदे वो सबसे अच्छे हैं आपको याद होगा किसी गोरे को काले पर किसी काले को गोरे पर कोई फोकत नहीं तकवा के बेस पर अगर है तो जिसमानी साथ आप जिस खानदान में पैदा हो वो भी अच्छा है तो बच्चों हम जिस खानदान में पैदा हुए हम भी अच्छे हैं आप जिस खानदान में पैदा हुए आप भी यानी जिसको जिस खानदान परवर दिगारी आलम ने पैदा किया सबका ख़ानदान अच्छा है किसी को हक नहीं कि अपने ख़ानदान यानी अपने वालदेन का बुरा भला कहे जो कि इस ज़माने में देखते हैं कि बच्चे अपने वालदेन को बहुत बुरा बुरा कर तुमने क्या किया मेरे खातिर अरे उसने जो कुर्बानी दे दी बच्चे नहीं दे सकते जब तुम बाप बनोगे और अपने बच्चे के लिए कुरबानी दोगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है अजीज़म किसी को हक नहीं कि ख़ानदान को सताए इसीलिए पूरी दुनिया का कानून है जैसे किसी भी बालग लड़का का ताल्लुक बाल किसी ख़ानदान से हो और वो लड़की का ताल्लुक किसी खानदान जब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो क़ानून इजाज़त देता है कि उन दोनों को शादी कर दी जाती है आवारा नहीं फिरने की इजाज़त है ख़ानदान खुद शादी हो जाती है अजीज हम फिर क्या होता है दवा जिंदगी में शामिल हो जाते तो अब उसे उसके ख़ानदान से अलग कर दिया जाता लड़की को उसके खानदान से लड़की को उसके ख़ानदान से अब पूरी दुनिया का कानून है कि जब शनाख्ती कार्ड है तो शनाख्ती कार्ड में अब ये लड़का और लड़की का एक ख़ानदान हो गया लड़का अगर लड़की के मुल्क में रहना चाहे उसको वहां की नर्सिटी दी जाएगी लड़की अगर अपने शौर के मुल्क में रहना चाहे तो उसकी नर्सिटी मिल जाती अगर दोनों एक ही मुल्क में है तो फिर नर्सिटी उनकी वही रहती है लेकिन देखना यह है कि जब उस ख़ानदान को एक नंबर अडाप्ट किया जाता है अब उसके जो बच्चे होंगे उस खानदान से ताल्लुक़ होगा क्या मतलब आलम उस तरह ख़ानदान को बरकत देते हैं और कहते हैं कि मेरे रब का फ़ैसला है कि हमने तो मैं कबीले या कौम में कोई सैयद कोई कुछ कोई कुछ कोई शेख कोई ख़ान कोई कुछ कहलाता है कोई चिश्ती कादरी फरीदी साबरी लाशारी जो भी आपका कबीला ख़ानदान आपको शनाख्त के रखा गया कबीला कौन बनाए ताकि एक दूसरे की शनाख्त हो तो खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कौन तकवा वाला और हम क्या कह, कह चुके आखिरी गुफ्तु सवाल यह है कि क्या खानदान तब्दील खानदान तब्दील नहीं कर सकता कोई भी अपने माँ बाप को न बदले हाँ इल्म आ जाए तकबा आ जाए परहेजगारी आ जाए हक़ समझ जाए तो फिर हक तो तस्लीम कर ले मजहब तब्दील कर सकता है खानदान तब्दील करने के जा सकता नहीं है अब आप कहें कैसे भाई कोई अगर काफिर रहा अगर कोई दीन कबूल कर लेता है अल्लाह को पहचान जाता है रसूल को पहचान जाता किताब पर ईमान लिया था आखरत ईमान लिया तो दीन तब्दील किया ना मुतपरस्ती तो छोड़ करके कोई अगर खुदा की तरफ आकर दीन तब्दील कर लिया लेकिन खानदान तब्दील नहीं कर सकता और हमारे यहाँ क्या है कि कोई अगर दीन तब्दील कर तो उसका कत्ल कर देंगे ये सबसे बड़ा जुर्म गुना कर रहे हैं वो लोग जो तो ऐसा तो करते तो हैं तो खुदा की निगाह में वह गुनहगार होंगे आप खानदानी तब्दील कर सकते लेकिन मजहब तब्दील कर सकते दीन तब्दील कर सकते ऐसा ग्रामी, हम इस मुकाम पर पहुँचे आज की गुस्तुओ के मसीह के बारे में हमने जो भी आयता आपकी हदमत पेश की क्या मसीह का कत्ल हुआ कुरान तैरह तो हुआ कि हमने कत्ल किया किसने का यहूद ने दावा किया और आगे चल के किसको कत्ल किया ईसा ने मरीम को मरीम के बेटे ईसा कत्ल कौन सा ईसा मरियम कहा के जो अल्लाह का रसूल था कत्ल हुआ है एविडेंस है और इनके बारे में पहले भी किताबों में है सातवा किताबों में है तौरात में है ज़बूर में है अम्बिया में है अम्बिया साहिफ अम्बिया में है इंजीर में है क़ुरान शरीफ में भी लेकिन फ़र्क क्या है कि तस्लीम क्यों नहीं किया गया इसलिए यहूदियों जो है उनकी निगाह में ये बेवकूफ़ी है कुरान में है कि वो मतफ़ का उराफ होगा हम तुम्हें मौत देंगे तुम उठा लेंगे तो जनाब मसीह की मौत हुई सलीबी मौत हुई है कत्ल करने वाले ने जो थे वो यू, रूमी फौजी थे रूम के रूमियों ने उनको अरेस्ट करवाया दिया था अरेस्ट करवाने वाले कौन थे यहूदी था जो उनका शागिर्द था उसने अरेस्ट करवाया था तीस सिक्के के वस जीज उनको सलीब दी गई लेकिन फिर किसने कहालब कि वमा वमा हो ने, उनका कत्ल नहीं किया गया और नहीं, ना ही उनको सलीब दी गई यहूदियों ने न कत्ल किया न सलीब दी गई किसने किया वो रोमियों ने किया तो हमारे इस जमाने में इस चीज को आप समझ सकते हैं कि उस वक्त भी फौजी थे जो उन्होंने मजहत मसीह को सलीब दी किसके कहने पर दो अदालत लगी एक शरीय अदालत और एक दूसरी अदालत रोमी अदालत रोमियो ने कहा कि हम इस पर कोई गुनाह नहीं देखते लेकिन चूँकि उस जमाने के फकीर फरीसी ने कहा कि नहीं ये गुनागार है यह टैक्स देने को मना करता है जबकि उन्होंने दावा जो किया था वो अलग था अजीजो आज की गुफ्तू हमें अख्तम पजीर करते हैं क्योंकि अब दामन में गुंजाइश नहीं है मसीह दोबारा आएंगे अब जब आएंगे मदद बंद के साथ आएंगे और वो अदालत करेंगे तो क्या हम उस अदालत से तैयार हैं ईमान है हमारे पास चलते चलते स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे टेलीफोन व्हाट्सएप ईमेल जो भी आपके अवेलेबल है आप हकीकत को, को जानना चाहते हैं हक को जानना चाहते हैं कुरान के साथ साथ आपको किताब मुकदस के मुाल करना आप हमें दिए गए पते पर यानी इस नंबर पर आप अपना पूरा पता लिख भेजिए हम फिर से आपकी खदत में किताब मुकदस एसान कर देंगे इजाज़त खुदा हाफ़